और अब बात अयोध्या की। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसके लिए मंदिर सहित पूरी अयोध्या को एक नया लुक दिया जा रहा है। R9 भारत हमेशा की तरह श्री राम मंदिर एवं रामलला के विराजमान होने की हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में आज इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं, अयोध्या के विभिन्न पथों पर राम स्तंभ स्थापित किए जाएंगे, जो पूरे भारत ही नहीं विश्व के लिए एक गौरव की बात है। श्री राम की नगरी में पहुंचने का वह एहसास कराएंगे। श्री राम जन्मभूमि को जोड़ने वाले राम पथ के एंट्री पॉइंट सहादतगंज में खास तौर से राम स्तंभ को सजाया जाएगा। कमिश्नर ने राम पथ को आकर्षक बनाने की दृष्टि से कराए जाने वाले विभिन्न कार्यों, जैसे स्मार्ट स्ट्रीट लाइट के पोल, राम स्तंभ, आकर्षक प्रवेश द्वारों, भित्ति चित्रों आदि के लिए चयनित स्थलों का निरीक्षण किया है। उनका कहना है कि अयोध्या में विभिन्न पथों को मिलाकर लगभग 25 राम स्तंभ स्थापित होंगे, जो आकर्षक ढंग से डिजाइन किए जाएंगे और आपको भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रवेश का एक अद्भुत और विहंगमयी एहसास कराएंगे। ये स्तंभ लगभग 6 मीटर ऊंचे होंगे, जिनकी परिधि 5 फीट की होगी। फाइबर पैनल से बनने वाले स्तंभों का सौंदर्यीकरण स्टेनलेस स्टील से किया जाएगा। स्तंभों को आकर्षक बनाने के लिए शीर्ष पर 10 mm की ग्लास लाइट भी लगाई जाएगी। स्तंभों के शीर्ष की डिजाइन सूर्य की ऊर्जा की तरह तैयार की गई है, जो एक चक्र जैसा है और जब आप देखेंगे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको जानकारी दे दें, राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को संपन्न हुई है। बैठक में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी पर मंथन हुआ। शनिवार को मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर यह जानने की कोशिश की कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर अयोध्या कितनी तैयार है। दूसरी पाली में नृपेंद्र मिश्रा ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी व कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों के साथ भी बैठक करी है। इसके साथ ही एक आवश्यक जानकारी और हम आपको दे दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से शनिवार को सावन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि पथ पर सुग्रीव किला के पास बनाए गए कैंप कार्यालय पर सीता रसोई का शुभारंभ शनिवार से किया गया है। सावन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा और पहले ही दिन 3,000 से अधिक भक्तों ने भोजन ग्रहण किया और जय श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। यह व्यवस्था सावन पूर्णिमा तक जारी रहेगी, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो अयोध्या में प्रवेश द्वारों पर राम स्तंभ लगाने की इस प्रक्रिया के बारे में पूर्ण रूप से विचार किया गया है और इसे तैयार किया जा रहा है, जो कि सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जय श्री राम के नारे पूरे अयोध्या को ही नहीं विश्व में एक ऊर्जा का केंद्र बन चुके हैं। इसके साथ ही मंदिर जब भव्य बनकर तैयार होगा तो पूरे देश ही नहीं विश्व से लोग आकर यहाँ पर दर्शन करेंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं अव्वल दर्जे की करी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, R9 भारत।